आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो गए? अच्छे हो गए? और मैं आज आपको ऐसी चीज़ लेके आई हूँ कि आपका वीडियो वायरल होंगे। आपको आप सब लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रहे, कैसे होंगे? आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच कितने अच्छे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको देखना है कि आपका ऑडियो रिसेप्शन कितना जा रहा है। आपको कुछ पॉइंटों पर ध्यान देना है, जैसे कि आपका ऑडियो रिसेप्शन कितना जा रहा है, तो आप ये समझ जाओगे तो आप वीडियो आपके हो जाए। आप लोग कहते हो कि दादी मेरा ऑडियंस रिसेप्शन कैसा जी, आप ही समझ सकते हो कि आपका ऑडियंस रिसेप्शन कितना जा रहा है। हम लोग नहीं देख सकते, आपकी किस में देख सकते हो? आप बाइस जी स्टूडियो में देख सकते हो कि आपका ऑडियंस रिसेप्शन जी, आप लोग ही अपने हिसाब से समझ सकते हो। मगर हम लोग कैसे समझेंगे आपका ऑडियंस रिसेप्शन कितना जा रहा है, क्योंकि हमारे पास आपका आपको पूरा वो हैगा बाइस स्टूडियो ऐसा है, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि ऑडियंस रिसेप्शन कितना जा रहा है। अगर ऑडियो रिसेप्शन अच्छा जाएगा तो आपका वीडियो अच्छा चलेगा। जैसे आपने का वीडियो गया तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही क्लिक करा और हट गए तो आपका ऑडियो रिसेप्शन अच्छा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने क्लिक करा, उनका जैसे आपका 5 मिनट का है, तो अगर 2 मिनट भी टिक गए तो आपका ऑडियो रिसेप्शन अच्छा जाएगा। जैसा कि जैसे यूट्यूब समझ जाएगा इनका वीडियो अच्छा चल रहा है, लोगों ने क्लिक करा है और अपन इसलिए उनका ऑडियो रिसेप्शन अच्छा जाता है। और आपको क्या दूसरी बात दी है, कमेंट पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि मेरी ऑडियंस क्या क्या कमेंट कर रही है, उनको किस हिसाब से वीडियो चाहिए, तो आपको उस कमेंट के हिसाब से भी आपको देखना है और आपने कमेंट का उत्तर भी देना है, जिससे कि वो ऑडियंस दे। बड़े बड़े यूट्यूबर कमेंट का उत्तर नहीं दे पाते, मगर आपको कमेंट भी देखना है और आपको उन कमेंट का उत्तर भी देना है। अपन क्या करते हैं, कमेंट वीडियो डाल दिया और कमेंट नहीं देखा, तो नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती तो कमेंट का उत्तर नहीं दे पाते। मगर आपको कमेंट का उत्तर देने में देना चाहिए, जिससे कि आप ऑडियंस को भी समझोगे, ऑडियंस आपको समझेगी, इसलिए आपके वीडियो अच्छे चलेंगे। आपको बाइस स्टूडियो में चेक करना है कि शॉर्ट पे व्यू ज़्यादा आ रहा है कि लॉन्ग पे। अपन लोग क्या करते हैं, कुछ से लोग लॉन्ग ही बना रहे हैं, शॉर्ट नहीं बना रहे हैं। बहुत से लोग शॉर्ट भी बना रहे हैं, लॉन्ग भी बना रहे हैं। अधिकांश लोग लॉन्ग भी बनाते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं। तो अपन को बाइस स्टूडियो में ही चेक करना है कि आपके शॉर्ट में भी ज़्यादा आ रहे हैं कि लॉन्ग में आ रहे हैं। अगर लॉन्ग में आ रहे हैं तो आप लॉन्ग को ज़्यादा देखिए और अच्छे से बनाइए, लॉन्ग पे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। अगर शॉर्ट पे आ रहे हैं तो आप शॉर्ट को अच्छे से बनाइए और शॉर्ट पे आपको प्राथमिकता देना चाहिए कि शॉर्ट अच्छे चलना है, तो अधिक से अधिक बनाओ। और अगर लॉन्ग मगर दोनों बनाना चाहिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाओगे तो आपको जैसे आपने लॉन्ग बनाया और शॉर्ट भी बनाया, तो शॉर्ट से आप उनको सब्सक्राइबर अधिक मिलते हैं, लॉन्ग से अपन को क्या बातचाम ज़्यादा मिलता है, तो जिससे कि अपने चैनल ग्रो होता है। इसलिए आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाना चाहिए। अगर शॉर्ट ज़्यादा व्यू आ रहा है तो शॉर्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा बनाइए, जिससे कि अपन दिन में अगर 3 डाल रहे हैं तो दिन में 6 भी डाल सकते हो शॉर्ट। और लॉन्ग वीडियो अपन डेली डालेंगे तो डेली अपन हिसाब से बनाइए और अपने वीडियो चले। आपको कमेंट पर ध्यान, तीसरा क्या है, कमेंट पर ध्यान देना। आपको लोगों के कमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए कि कमेंट आपके किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना आ रहा है। कमेंट पर भी ध्यान दोगे और एक एक कमेंट का उत्तर दोगे तो ऑडियंस आपसे जुड़ेगी, जिससे कि ऑडियंस जुड़ेगी तो आपके वीडियो अच्छे चलेंगे और ऑडियंस आपके पसंद करेगी। आप अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाओगे तो ऑडियंस जरूर पसंद करेगी। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। अपन क्या करते हैं, कभी भी वीडियो लिया और अपन डाल देते हैं, मगर अगर आपने टाइम का ध्यान रखा तो आपके वीडियो जरूर चलेंगे। जैसे बहुत से जैसे अपन कहीं जाते हैं तो बस कितने बजे आती है, 1 बजे आती है, तो अपन कितने बजे पहुंच जाते हैं, 1 ही बजे पहुंच जाए, कहीं निकल ना जाए, कितना होता है कभी कभी लेट, 5-10 मिनट लेट होएगी, ज़्यादा नहीं होएगी। ऐसा ही अपन बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपन कितने समय पहुंचेंगे, बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं, लेट पहुंचेंगे तो नहीं जा पाते। इसलिए आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा डॉक्टर है, डॉक्टर लोग बैठ रहे हैं 2 बजे, तो अपन क्या करेंगे, 2 बजे ही जाएंगे, 5-10 मिनट हो सकते हैं, 2 बजे मरीज आकर बैठ जाता है और डॉक्टर का इंतजार करने लगता है। ऐसा ही यूट्यूब का है,
अगर आप टाइम पे वीडियो डालोगे तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो इंतज़ार करेगी और आपका वीडियो देखेगी और आपका क्लिक करेगी, तो जब क्लिक करेगी तो यूट्यूब ज़्यादा भेजेगा। और जब ऑडियंस ही नहीं होगी, अपन कभी भी डालना है किसी भी टाइम पर, जैसे अपन को 7 बजे डालना है तो अपन 8-9 बजे डालना है, 5-10 मिनट का तो अंतर हो सकता है, डाले नहीं, और ऑडियंस आपका जब ही इंतज़ार करेगी कि टाइम तो डालो। आपने क्या करा, कभी सुबह डाल दिया, कभी दोपहर में डाल दिया, कभी शाम को डाल दिया, तो आपकी ऑडियंस रिसेप्शन आपकी ऑडियंस इंतज़ार नहीं करेगी, तो इंतज़ार नहीं करेगी तो वो कभी भी आएगा तो कब देखेगी। मगर यूट्यूब का नियम ये है, जैसे ही अपन वीडियो डालते हैं तो भाई तुरंत लोगों के पास पहुँचा देता है। जब लोगों को पता ही नहीं है कि कितने बजे डाला है तो वह कैसे पहुँचेगा, इसलिए आपको टाइम का विशेष ध्यान है। मेरा कितने बजे आता है, मैं 7 बजे के लगभग अपना वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि 7 बजे मैं इसलिए डालती हूँ कि सुबह सुबह मेरे पर टाइम होता है, फिर मैं टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने शुरू से ही नियम बनाया है कि 7 बजे डाल रही हूँ। उसी से मैंने पहले से दिन से ऐसा बनाया, आज मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल मोनिटाइज भी हुए। ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी वीडियो बनाना है, ट्रेंडिंग में चलता है जो, उस पर आपको देखना क्या क्या चल रहा है और अपने हिसाब से, जैसे अपना किचन का है तो किचन के हिसाब से बनाइए, अगर दूसरे ट्रेनिंग नहीं चल रही है तो उसको भी, जैसे अपन मैंने टैग का बनाया तो आप टैग के आधार पर उसके अपने ट्रेनिंग टॉपिक को अपने टैग पर लाइए। जैसा कि आजकल जो अभी चल रही थी शिवानी बिग बॉक्स में कही थी, तो कितना टॉपिक चल रहा था उस पर आप कुछ भी वीडियो बना रहे थे, तो क्योंकि वो ट्रेन में चल रहा था तो वह ज़्यादा लोग देख रहे थे, इसलिए आप उस पर, जैसे पहले आपने देखा, बात बताऊँ, एक चला था सारस पर अपन कोई भी वीडियो बना रहे थे तो वो चल रहे थे, और सारा पहले ट्रेंड में चल नहीं आता, अब वो उसका पता नहीं है। जैसे ही ट्रेंडिंग में आए तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अच्छा खासा आपके आपके व्यू बढ़ेंगे और अच्छे खासे आपका वीडियो चलेगा। इस तरह से अगर आपने वीडियो बनाए तो आपको अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे खासे आप चलेंगे और आपके वीडियो आपके चैनल ग्रो होगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो।